गतिविधियों पर। पेरोल पर छूट के आए पति ने चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी की चाकू कोतकर हत्या कर दी। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र में स्थित मक्सी रोड पर बैंक ऑफ इंडिया के सामने श्रीनगर में रहने वाले दंपत्ति के बीच शनिवार रात को चरित्र शंका होने की बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्साए पति ने पत्नी के सीने में चाकू घोंप दिया। चाकू लगते ही पत्नी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। यह देख पति मौके से फरार हो गया। पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। माधवनगर पुलिस ने बताया कि शनिवार शाम को श्रीनगर में रहने वाले राम भरोसे कुशवाहा व उसकी पत्नी ज्योति कुशवाहा प्रति साल के बीच चरित्र शंका की बात को लेकर विवाद हो गया था। कुछ देर चली कहासुनी के बाद झगड़ा बढ़ गया। इसके कारण राम भरोसे ने गुस्से में आकर पहले तो पत्नी के साथ मारपीट की। इस दौरान उसके दोनों पुत्र हर्ष व कुणाल उनके बीच बचाव में लगे रहे, लेकिन राम भरोसे इतना आक्रोशित हो गया था कि उसने घर में रखा चाकू पत्नी के सीने में घोंप दिया। राम भरोसे पिछले कुछ सालों से उज्जैन के केंद्रीय जेल में हत्या के प्रकरण में सजा काट रहा है। कोरोना के कारण पिछले दिनों जेल से वह पेरोल पर छूटा था। आरोपी को पुलिस तलाश रही है। महिला के 10 व 12 साल के दो बच्चे हैं। श्रीनगर कॉलोनी में प्रथम दृष्टा एक हत्या का मामला प्रतीत हुआ है, जिसमें मृतिका को FSL एवं फोटोग्राफर की कार्रवाई करवा के PM रूम में भेजा गया है एवं परिवारजनों के द्वारा बताया गया है कि उसके पति द्वारा उसकी हत्या की गई है। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है एवं घटना की एवं आरोपी की पता रखी जा रही है।